बिरयानी खाना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज हम बनाएंगे घर पर बिरयानी मसाला और ये मार्केट बिरयानी मसाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बिरयानी मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 से 5 लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 2 टेबल स्पून नॉर्मल जीरा, 15 बड़ी इलायची, 1 छोटा जायफल, 3 से 4 जावित्री, 3 टेबल स्पून के लगभग दालचीनी, 1 टेबल स्पून चक्रफूल, 2 टेबल स्पून इलायची, 1 टेबल स्पून लौंग, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 10 तेज पत्ते जिसे मैंने यहाँ पे ऐसे तोड़ लिया है। तो चलिए बिरयानी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और सबसे पहले साबुत धनिया और लाल मिर्च डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, शाह जीरा, नॉर्मल जीरा, तेज पत्ते डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें हरी इलायची, चक्रफूल, सौंफ ये सब डालकर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। अब हम सारे मसालों को अच्छे से ठंडा करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। मसाला अच्छा पीस के रेडी हो चुका है, अब हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाले का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। तो बिरयानी मसाला बनकर रेडी है, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू।